ग्लोब के बारे में जानेंगे। जो आप देख रहे हैं ग्लोब है, और जो ग्लोब के जो सेंटर में आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, इसे हम मध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री की होती है और हम इसे इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और जो भूमध्य रेखा उसे कहते हैं जो हमारी ग्लोब या फिर पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। जो इस भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। जो इसके नीचे का हिस्सा होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इसके ऊपर 23.5 में जो रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसी के नीचे 23.5 नॉर्थ जो होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। साउथ 23.5 साउथ जो होती है उसे हम मकर रेखा कहते हैं। और ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं इसे हम ये 90 डिग्री का होता है, इसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और इसे साउथ पोल कहते हैं। यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम जाती है इसलिए हम नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और भूमध्य रेखा की जो ऊपर का एरिया होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा की जो नीचे का एरिया होता है उसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जो रेखाएँ भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, और जो रेखाएँ यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा हमें दूरी बताती हैं